आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। हमें यहाँ पर ऑप्शंस में युग्म दिए हुए स्टूडेंट्स, देख सकते हो आप, तो इनमें से कौन सा मैच नहीं कर रहा ये बताना है हमें। तो देखते हैं सबसे पहले ऑप्शन ए को। ऑप्शन ए में दिया हुआ स्टूडेंट पुनर्योगज डीएनए और आगे की ओर लिखा हुआ है विभिन्न स्रोतों से डीएनए के खंडों के जुड़ने से बनने वाला डीएनए। तो स्टूडेंट यदि पुनर्योगज डीएनए की बात करें तो इसका जो निर्माण है यह अनुवांशिक अभियांत्रिकी की पुनर्योगज डीएनए तकनीक में किया जाता है। इसका निर्माण किया कैसे जाता है वो देख लेते हैं। वांछित जीन, तो स्टूडेंट वांछित जीन को वाहक के साथ जोड़कर पुनर्योगज डीएनए बनाया जाता है। अब ये वांछित जीन कौन सा होता है? ऐसा जीन अर्थात हमारी इच्छा के अनुसार जो जीन हम किसी परपोषी कोशिका में स्थानांतरित करना चाह रहे हैं उसकी अनुवांशिकी को बदलने के लिए वह कहलाएगा वांछित जीन। अब इसको ले जाने वाला कौन होगा? ये होगा क्लोनिंग वाहक। यह भी डीएनए ही होता है स्टूडेंट, जैसे प्लाज्मिड। प्लाज्मिड जो है जीवाणुओं में पाया जाने वाला अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए होता है। तो ये भी क्या होगा? डीएनए का खंड ही होगा। तो मैं यहां लिख देता हूं क्लोनिंग वाहक। अब देख सकते हैं वांछित जीन और क्लोनिंग वाहक, इन दोनों के जुड़ने से क्या होगा? पुनर्योगज डीएनए का निर्माण हो जाता है। तो लिख देते हैं ये है पुनर्योगज डीएनए। अब देख सकते हैं स्टूडेंट वांछित जीन किसी और जीव से प्राप्त हुआ होगा और क्लोनिंग वाहक जो है ये प्लाज्मिड या कोई अन्य जीव से प्राप्त किया होगा हमने, या फिर ये कृत्रिम भी हो सकता है। तो अलग अलग स्रोत से प्राप्त डीएनए को मिलाकर बनाया गया डीएनए स्टूडेंट ये क्या कहलाता है? पुनर्योगज डीएनए कहलाता है। तो स्टूडेंट ये तो मैच कर रहा है युग्म आपस में, तो ये ऑप्शन हमारा क्या होगा? गलत होगा। तो ऑप्शन बी देखते हैं स्टूडेंट। ऑप्शन बी को हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो ऑप्शन बी जो है इसमें लिखा हुआ है प्यूरीन। तो प्यूरीन के आगे क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट देखते हैं। प्यूरीन के आगे लिखा हुआ है नाइट्रोजनी क्षार, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। प्यूरीन की यदि बात करें तो यह डीएनए में पाई जाने वाली नाइट्रोजनी क्षार है। डीएनए और आरएनए दोनों में पाई जाती है यह नाइट्रोजनी क्षार। और प्यूरीन और प्यूरीन के दो प्रकार हैं स्टूडेंट, न्यूक्लिक अम्ल में दो प्रकार पाए जाते हैं, एक तो है ग्वानिन और दूसरा है एडिनिन। तो लिख देते हैं ग्वानिन और एडिनिन, और इनको इसको जी से और इसको ए से डिनोट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ग्वानिन और एडिनिन दो प्यूरीन है और यह नाइट्रोजनी क्षार है। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है? प्यूरीन, यह नाइट्रोजनी क्षार है, बिल्कुल सही है, परंतु आगे लिखा हुआ है साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। तो स्टूडेंट ये तीनों ही जो है पिरिमिडीन होती है, प्यूरीन नहीं होती, अर्थात ये जो युग्म है ये मैच नहीं कर रहा। तो ये हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन सी को कंसिडर कर लेते हैं हम। ऑप्शन सी के बारे में लिखते हैं। तो ऑप्शन सी में क्या लिखा हुआ है? एटीपी, कोशिका में यौगिक ले जाने वाली मुख्य ऊर्जा। तो स्टूडेंट एटीपी जो है इसके बारे में बात करते हैं। इसका पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राई फास्फेट। लिख लेते हैं एडिनोसिन ट्राई फास्फेट। तो स्टूडेंट कोशिका में यह ऊर्जा मुद्रा के रूप में कार्य करती है। तो लिख देते हैं ऊर्जा मुद्रा के रूप में कार्य करती है, अर्थात कोशिका में किसी भी प्रकार के कार्य के लिए ऊर्जा चाहिए तो वह कौन उपलब्ध करवाएगी? एटीपी उपलब्ध करवाती है। तो ये भी बिल्कुल मैच कर गया। तो हमारा सी ऑप्शन भी क्या होगा? गलत होगा। अब हम देखते हैं ऑप्शन डी को। ऑप्शन डी देख लेते हैं। ऑप्शन डी में क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स? आर आर एन ए। तो लिख लेते हैं आर आर एन ए। आर आर एन ए से तात्पर्य क्या है? राइबोसोमल आर एन ए। तो लिख लेते हैं राइबोसोमल आर एन ए। तो स्टूडेंट राइबोसोमल आरएनए मिलकर क्या करते हैं? राइबोसोम का निर्माण करते हैं। तो राइबोसोम का निर्माण करते हैं और इन आरआरएनए का निर्माण जो है केंद्रिका के डीएनए के द्वारा होता है। केंद्रक में पाई जाती है केंद्रिका और उसके डीएनए के द्वारा क्या होता है? राइबोसोमल आरएनए का निर्माण होता है, अर्थात राइबोसोम बनाने की जो फैक्ट्री है वो क्या होती है? केंद्रिका होती है। तो आरआरएनए से तात्पर्य क्या है? राइबोसोमल आरएनए, और राइबोसोमल आरएनए मिलकर राइबोसोम का निर्माण करते हैं। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं। ऑप्शन डी में लिखा हुआ है आर आर एन ए, राइबोसोम में आर एन ए अणु पाए जाते हैं। तो बिल्कुल सही है, आर आर एन ए मिलकर क्या बना रहे हैं? राइबोसोम बना रहे हैं। तो ये भी मैच कर गया। तो ये हमारा ऑप्शन भी क्या होगा?
गलत होगा। इस क्वेश्चन में हमें यह बताना था कि कौन सा युग्म मैच नहीं कर रहा, तो बी ऑप्शन जो है ये मैच नहीं कर रहा, तो उत्तर होगा ऑप्शन बी। कक्षा छठी से बारहवीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।